शर्मा जी से, जिन्होंने 7 दिवसीय कैडर कैंप के अंदर जो स्टूडेंट्स विभिन्न विभिन्न प्रांतों से आए थे उनको किस तरीके से सहूलियतें गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर देनी है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है स्कूल ऑफ आईसीटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का हमारे अपने गेस्ट हाउसेस हैं, हमारा अपना ऑडिटोरियम्स है, हमारा जो इनॉग्रेशन था वो इनॉग्रेशन हमारा इंटरनेशनल लेवल ऑडिटोरियम्स में हुआ, उसके बाद हमारे कॉन्फ्रेंस रूम है, हमारी वर्ल्ड क्लास लैब्स हैं जो कि इक्विप्ड है सारे इम्पॉर्टेंट टूल्स और टेक्निक से, हमने जो एक्सपर्ट्स भी बुलाए थे वो सब्जेक्ट एरिया एक्सपर्ट्स बुलाए थे, जैसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के लिए सिम्बायसिस से डॉक्टर कृतिप्रिय को बुलाया था, उन्होंने एसपीएसएस टूल के ऊपर पूरा 1.5 दिन का ऑलमोस्ट 1.5 डेज का पूरा प्रोग्राम रखा, जिसमें उन्होंने फैक्टर एनालिसिस एनोवा जो कि हमारे टेस्टिंग के लिए काफ़ी यूज़ होता है और डेटा वैलिडेशन और एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, उन्होंने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई। देन वी हैड डॉक्टर राखी विदस हु वाज फ्रॉम बिट्स पिलानी और उन्होंने स्टोकैस्टिक मॉडल मार्कोव चेन्स पे अनुसंधान में क्या चीज़ें जरूरत होती हैं और जितने भी अच्छे रिसर्च पेपर्स हैं उनमें यूज़ हो रहा है ये सब बताया। डॉक्टर सुफियान प्रोफेसर सुफियान बेग थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उन्होंने भी हमें एल्गोरिथमिक रिसर्च, एल्गोरिथम एक मुख्य भूमिका निभाता है किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके बारे में काफ़ी हमें बताया और उनके लेक्चर काफ़ी उपयोगी साबित हुए क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट्स थे जो लोग जो पार्टिसिपेंट्स थे वो रिसर्च स्कॉलर्स थे सारे जो पीएचडी कर रहे हैं या डिजर्टेशंस कर रहे हैं और फैकल्टीज़ थी जो अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च कराती हैं, तो वो डिफरेंट विभिन्न क्षेत्रों से वो इसी चीज़ों पर काम कर रहे हैं और उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं इन चीज़ों को बेसिकली अप्लाई करने में, तो दैट वाज अ बेसिक आइडिया और यहाँ का इंतज़ाम काफ़ी अच्छा था एंड पार्टिसिपेंट्स ने हम लोग को बोला है कि दे विल लाइक टू कम अगेन, दोबारा आना चाहेंगे यहाँ पर और जून में हम लोग विद द कंसेंट ऑफ आर डीन एंड आर टीम्स हम फिर से ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो मैम जो ये 7 दिवसीय टेक्निकल जो आपने कैंप लगाया है क्या वो सफल रहा? मेरे ख्याल से तो बहुत सफल रहा क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव था उसका कि हम स्टूडेंट्स को में जो गैप है जो एक हम लोग जो उनको नहीं बता पाते कि किस एक बच्चा पीएचडी करने आता है तो पहले हमें 1 साल उनको ट्रेन करना पड़ता है इन टेक्निक्स के ऊपर और उसके बाद वो अपनी रिसर्च स्टार्ट कर पाता है, तो वो गैप हमारा फिल हो गया। इनफैक्ट स्टूडेंट सेट कि अब हम जाके सीधा अपनी रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हम परेशान थे जहाँ जहाँ हम अपनी रिसर्च में हमें दिक्कतें आ रही थी एटलीस्ट वो ओवरकम हो गई हैं हमारी।